हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम सुरेश कुमार, मैं आज आप लोगों को एवरेज का पार्ट टू करवाने जा रहा हूँ। मैंने इससे पहले पार्ट वन डाल दिया है, सो गाइज अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा हो तो पहले आप पार्ट वन जाकर देख ले। मैंने पार्ट वन में लगातार संख्याओं से रिलेटेड जितने भी एवरेज पे क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में डिस्कस किया है। आज मैं उन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन उठाया हूँ, तो सो गाइज आप प्लीज वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलो अपन ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चनों पे आते हैं। तो सो गाइज आप वीडियो को प्लीज लास्ट तक देखिएगा, और मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि मैं एवरेज के जितने भी क्वेश्चन करवाऊं आप प्लीज उनको एक बार अच्छे से देखिएगा, और आप लोग खुद एनालिसिस कीजिएगा कि आपने जो पढ़ा वो बेस्ट है, या फिर आप लोग खुद एनालिसिस कर लीजिएगा। तो चलो अपना पहला क्वेश्चन है, अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 का औसत क्या होगा? तो इस क्वेश्चन को देखते ही अपने माइंड में एक चीज आ रही होगी कि ये सब संख्याएं क्या है, विषम संख्याएं हैं। अब विषम संख्याएं तो है, लेकिन आपके माइंड में आ गया होगा कि विषम संख्याएं कौन सी है, लगातार है। देखो एक से स्टार्ट हो रही है और 13 पे खत्म हो रही है, इनके बीच में कोई भी संख्या स्कीप नहीं है, सभी देखो लगातार संख्या होगी 1, 3, 5, 7, 9, 11 और 13। तो मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था कि लगातार संख्याओं का औसत होता क्या है, पहली संख्या प्लस आधी संख्या बटा दो। पहली मतलब देखो औसत एवरेज हो जाएगा, पहली संख्या प्लस आधी संख्या बटा दो, या फिर एवरेज क्या हो जाएगा, ये सिर्फ किसके लिए होने लगातार संख्याओं के लिए, या फिर क्या हो जाएगा मध्य की संख्या। देखो भाई मैं बार बार आपको ये जिक्र नहीं करूंगा, आप लोग खुद से समझ लेना कि होता क्या। देखो पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या बटा दो, एफ यानी फर्स्ट, एल यानी लास्ट बटा दो, या फिर मध्य की संख्या। मतलब जब भी लगातार संख्या है, जरूरी नहीं है कि वो लगातार संख्या है सम हो, विषम हो, या फिर आपको जैसे समांतर क्रम में दे रखी हो, गुणज में दे रखी हो, इन सभी का औसत क्या होगा, मध्य की संख्या। तो अपने पहले क्वेश्चन में था, देखो आपने देखा तीन संख्या इधर हो गई और तीन संख्या इधर हो गई, अब मध्य संख्या कौन सी है अपने सात, क्योंकि तीन इधर पूरी संख्या कितनी थी सात, मध्य संख्या कौन सी आ रही है सात, तो एवरेज कितना हो जाएगा सात, तो इसका आंसर कितना होगा सात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना, पहली 51 लगातार संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। देखो आपके माइंड तुरंत आ गया होगा क्या है, लगातार संख्याएं हैं। अब संख्याएं कौन सी है, देखो पहली 51 लगातार मतलब 1, 2, 3, 4 कहां तक चल रही है संख्याएं, 51 तक, मतलब 1 से स्टार्ट हो रही है और 51 पे खत्म हो रही है, तो इन सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। तो अब आप लोग सोचोगे कि इनके बीच में बहुत सारी संख्या आएगी तो मैं मध्य संख्या कैसे ढूंढूंगा, अगर आपको मध्य संख्या पता भी नहीं चल रही तो आप लोग क्या करोगे, आपको देखो मैंने एक और तरीका बताया, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा दो। तो यहाँ पे देखो पहली संख्या कौन सी हो गई एक, और आखिरी संख्या 51 बटा दो, तो क्या हुआ 51 में 52, 52 में 2 का भाग दिया, एवरेज कितना आ गया 13, इसका आंसर कितना हुआ 13। चलो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 1000। देखो क्वेश्चन ढंग से पढ़ लेना, क्वेश्चन क्या अपना 1023 तक लगातार विषम संख्याओं का औसत। देखो अब संख्या कौन सी है विषम है और कौन सी वो लगातार है, तो 1, 3, 5, 7 कहां तक चल रही है इकट्ठे करते 1023 तक, तो अपन को इन सभी संख्याओं का औसत पूछा है, तो आप तुरंत आपके माइंड में आ गया होगा कि संख्या कैसी है, लगातार है और विषम है। इनका औसत हमने बताया था क्या होता है, पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या बटा दो। तो देखो 1023 1024 अगर मैं 1024 में 2 का भाग दूंगा कितना आएगा 512, इसका आंसर कितना हो जाएगा 512। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 501 लगातार सम संख्याओं का औसत। देखो 501 लगातार सम संख्याओं का औसत कितना है, यहाँ पे 2000 है, तो पहली व आखिरी संख्या का योग बताओ। तो अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि अगर मुझे जब तक पहली संख्या और आखिरी संख्या पता नहीं चलेगी तब तक मैं योग नहीं निकाल सकता, लेकिन आपको करना क्या है, देखो ऐसे तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, पहली संख्या निकालनी पड़ेगी, फिर आखिरी संख्या निकालनी पड़ेगी, फिर दोनों का योग करना पड़ेगा, लेकिन इसका देखो शॉर्ट फॉर्म क्या है, शॉर्ट तरीके से अपन कैसे कर पाएंगे। अपने को पता है कि एवरेज होता क्या है, अपने को पता है एवरेज होता क्या है, पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या बटा दो। तो यहाँ पे देखो आपको एवरेज कितना दे रखा है 2000, तो इस चीज के बराबर 2000 हुआ कि नहीं हुआ, 2000 हो गया, इसके बराबर हुआ 2000। अब अपने को पता ही है 2 इधर जाएगा कितना हो जाएगा संख्या, देखो 2 इधर जाएगा क्या हो जाएगा 2000 * 2, तो कितना हो जाएगा
4000, इसका मतलब पहली प्लस आखिरी संख्या फर्स्ट एंड लास्ट इन दोनों संख्या को कितना आ गया 4000। तो अपने को पूछा भी क्या था, पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या इनका योग पूछा था, अपने कितना आ गया 2000। मतलब करना क्या आपको, जब भी आपको लगातार संख्याओं का एवरेज दे रखा हो और पहली बार आखिरी संख्या का योग पूछे, तो जो आपका एवरेज दे रखा है उसका दुगुना कर दो, वही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे एवरेज कितना दे रखा था आपको 2000, इसका दुगुना किया कितना हुआ 4000, एवरेज कितना हो गया 4000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपन। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 51 लगातार विषम संख्याओं का औसत 200 है। 71 लगातार विषम संख्याओं का औसत 200 है, तो पहली व आखिरी संख्या का अंतर। देखो यहाँ पे अपने को पूछा क्या है, देखो इससे पहले अपने को पूछा था योग, योग में तो अपने क्या निकाल दिया, अपने पता है अपने को योग क्या होता है। देखो एवरेज होता क्या था, पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या बटा दो, एवरेज दे रखा आपको 2000, आपने डायरेक्ट योग निकाल लिया। लेकिन आपको अंतर पूछे तो आपको करना क्या, इससे पहले मैं आपको एक छोटी चीज बताता हूँ। देखो यहां तक मैं अपना कंप्लीट हो ही गया, इससे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ भाई, देखो आराम से समझना। अगर मैं इसे बोलूं आपको, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, आपको देखो संख्या की देरी, संख्या की देरी आपको संख्या हो गई 8, अपने को पता देखो 1 से स्टार्ट हो रही 8 तक हमारी संख्या कितनी हो गई 8। तो जब भी आपको लगातार देखिए यहां पर कितनी संख्या दे रखी थी, लगातार संख्या दे रखी थी। अगर जब आपको लगातार संख्या दे रखी हो उनका अंतर पूछे तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे आपको अगर पहली और आखिरी का अंतर पूछता तो आप क्या करते, आपके पास आखिरी संख्या भी आता है और पहली भी आता है, क्या करते 8 - 1 कितना निकाल लेते 7। तो देखो ये अंतर कितना है 7 और संख्या कितनी थी 8। तो आप करना क्या है, देखो संख्या कितनी है 8, इसमें गैप कितनी हुई 1, 2, 3, 4, 5 और 6 और 7, गैप कितनी आ गए 7। देखो गैप कितना है 7 और अंतर भी कितना था 7। एक और उठाता हूँ, देखो विषम संख्या लेता हूँ, देखो विषम संख्या में बोलू 1, 3, 5, 7, 9 और 11, देखो संख्या कितनी हुई 1, 2, 3, 4, 5 और 6, संख्या कितनी है पे, संख्या हो गई 6। इनके बीच में गैप देखो 1, 2, 3, 4, 5, गैप कितने आए 5। अब अगर यहाँ पे आपको पहली और आखिरी का अंतर पूछता तो बता दे आंसर कितना था, कितना आया 11 - 1 कितना आया 10। अब आपके पास एक गैप कितने आ जाए 5 और अंतर कितना आ रहा है 10, एक गैप में कितने का अंतर है 2 का, देखो सभी में 2-2 का अंतर आ रहा है। अब अपने पास जो गैप आ गए 5 और एक गैप में कितने का अंतर है 2 का, तो अंतर कितना हो जाएगा 5 × 2 कितना आया 10। तो यहाँ पे देखने के बाद आपके माइंड में चीज आई होगी कि मतलब जितनी भी संख्या दे रखी है, जितनी भी संख्या दे रखी होगी उससे एक कम क्या होगा उसमें गैप। देखो यहाँ पे संख्या कितनी थी 8, गैप कितने हुए 7, यहाँ पे संख्या कितनी थी 6 और यहाँ पे गैप कितने हुए 5, यहाँ पे एक गैप में कितने का अंतर था 2 का, 2 का गुणा किया कितना आया अपने पास 10। अब ये 10 ही क्या होगा अपना पहली और आखिरी का अंतर। यहाँ पे देखो यहाँ पे संख्या कितनी आई 8, गैप कितने आए 7, एक गैप में अंतर कितने का 1 का, देखो सभी में एक एक का अंतर है, अगर एक का अंतर सभी गैप में 7 गैप में कितने का अंतर होगा 7 × 1 कितना 7। अब यहाँ पे मैंने पहली व आखिरी का अंतर निकाला 8 - 1 तो भी कितना 7, मतलब जो पहली वो आखिरी का अंतर आता है वो होता है एक्चुअली में वो गैप ही होता है। ठीक है, वो गैप ही होता है। अगर मैं सम में बात करूं, देखो सम में बात करूं मैं 2, 4, 6, 8 और 10, देखो संख्या कितनी हो गई यहाँ पे, अपन ने देखा संख्या हुई 5, देखो 1, 2, 3, 4, 5, संख्या 5, गैप कितने हुए 1, 2, 3, 4, मतलब गैप कितने हुए, गैप हुए अपने पास 4, एक गैप में कितने का अंतर है 2 का, मतलब जब सम में और विषम में हमेशा प्रत्येक में गैप में कितने का अंतर होगा 2 का, इसमें मैंने 2 से गुणा किया कितना है मेरे पास 8। अब ये 8 क्या हो गया, ये 8 पहली व आखिरी संख्या का अंतर है। सही निकाल के देख लो, 10 - 2 किया तो अंतर कितना है मेरे पास 8 और यहाँ पे कितना आया था 8। तो मैं आप लोगों को ये समझाना चाह रहा हूँ, जब भी आपको पहली व आखिरी संख्या का अंतर पूछे तो क्या करो आप डायरेक्ट, अगर देखो आपको यहाँ पे देखो विषम संख्या दे रखी है लगातार 71 की विषम संख्या है, इनका औसत कितना है 200 है, लेकिन अपने को पूछा क्या है पहली व आखिरी संख्या का अंतर पूछा है। अब मुझे पता देखो संख्या कितनी है 71 लगातार संख्या है, लगातार विषम संख्या है 51 लगातार विषम संख्या है, मतलब गैप कितने हुए इसमें, गैप हुए कितने 70, गैप 70 हुए, एक गैप का अंतर कितने का है 2 का, 2 से गुणा कर लिया तो ये कितना आ गया 140, ये क्या है पहली व आखिरी का अंतर, क्योंकि गैप का दुगुना तो क्या होता था पहली व आखिरी का अंतर।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 51 लगातार सम संख्याओं का औसत 500 है। 51 लगातार सम संख्याओं का औसत 500 है तो पहली व आखिरी संख्या का बताओ, पहली व आखिरी संख्या बताओ। अलग अलग संख्या पूछी अपने को, अपने को करना क्या है, फिर देखो 51 लगातार संख्या है मतलब क्या हुआ कि 25 संख्या इधर होगी और 25 संख्या इधर होगी। क्यों? क्योंकि देखो 51 संख्या लगातार है, 25 संख्या इधर 25 इधर, कितनी हो गई 50। अब 51 संख्या और बची तो मध्य संख्या रहेगी वो कौन सी है, 26वीं। 26वीं वाली देखो एक से लेके 25 तो ये हो गई थी, 26वीं आ गई। अब इसका मान कितना देगा आपको 500, क्योंकि एवरेज मैंने क्या बताया था, एवरेज हमेशा होता क्या है मध्य संख्या, मध्य संख्या 26वीं का मान कितना है 500। तो आपको पूछा पहली संख्या पूछा है, अब देखो इनमें गैप कितने हैं, यहां से लेके एक से लेके यहां तक गैप कितनी संख्या हुई 26, तो संख्या तो कितनी हुई 26, एक से लेके यहां तक गए 26 संख्या हुई और इसमें गैप कितने हुए, गैप हुए कितने 25, क्योंकि इधर देखें गैप ये 25 है। अब सम संख्या है तो प्रत्येक सम संख्या में गैप कितने का होता है, या गैप अंतर कितने का होता है, 2 का। अगर मैं इसको 2 से गुणा करूं तो कितना है अंतर 50, मतलब इस संख्या और इस संख्या के बीच में अंतर कितने का आ जाएगा 50 का। अगर मैं 500 में से 50 घटा दूं तो पहली संख्या कितनी आ जाएगी अपने पास 450, तो पहली संख्या कौन सी हो गई 450। वैसे अपने को लास्ट संख्या पूछा है अंतिम संख्या, तो अंतिम संख्या क्या होगी, तो 26 और ये कौन सी संख्या होगी 51वीं। क्योंकि देखो एक से लेकर 26 फिर आगे चलेंगे 51 तक संख्या थी 51, इनके बीच में गैप कितने हैं 25, प्रत्येक गैप में अंतर कितने का है 2 का, तो कितना आ जाएगा 50। अगर इस 500 में मैं 50 जोड़ दूं तो अंतिम संख्या कितनी आ जाएगी 500 प्लस 50 कितना हो गया 550, ठीक है। वैसे अपने देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, 1524 1526 1528 1530 1532 1534 का औसत पूछा है। यहाँ पर देखते हैं अपने माइंड में आ गया सभी क्या है, लगातार सम संख्या है। तो मैंने क्या बताया था, जब भी लगातार सम संख्या, जब भी आपको लगातार सम संख्या दे रखी हो तो इनका औसत क्या हो जाएगा मध्यक संख्या। यहाँ पे अपनी संख्या देखिए कितनी है, गिनो देखो 1 2 3 4 5 और 6 संख्याएं हैं, तो आप देखो 3 संख्या इधर हो गई और वैसे ही 3 संख्याएं इधर हो गई। अब इनके मध्यम संख्या कौन सी आएगी, इन दोनों मध्यम मतलब इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में कौन सी आएगी 1529, तो एवरेज कितना हो गया इसका 1529, ठीक है। इनका आंसर ये हो गया। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, देखो इन सबको मिटा देते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर मैं आपको बोलूं कि 5 लगातार संख्या, देखो 5 लगातार सम संख्या, संख्याएं ए बी सी डी व ई है तो औसत ज्ञात करो, तो औसत बताओ। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, देखो संख्या देखो क्वेश्चन समझ में क्या है, 5 लगातार सम संख्या ए बी सी डी व ई है तो औसत बताओ। ऑप्शन आपके पास पहला ऑप्शन है ए, दूसरा बी ऑप्शन आपके पास ए प्लस टू, तीसरा ऑप्शन आपके पास ए प्लस 2.5 और डी ऑप्शन आपके पास ए प्लस 3। देखो यहां पे करोगे क्या, अपने देखा कि लगातार सम संख्या है तो लगातार संख्या देखिए ए बी सी डी व ई, संख्या पांच संख्या है, अपने पता पांच संख्या है, इसका मतलब क्या हुआ लगातार सम संख्या है ये, तो दो संख्या इधर होगी दो इधर होगी, मध्यम संख्या कौन सी आ गई सी, ये अपना आंसर होना चाहिए। लेकिन अपने ऑप्शन में देखा ऑप्शन में सी का कोई आप उसी दे नहीं रखा, मतलब जो भी मान दे रखा ए में दे रखा है, तो आप करोगे क्या, जब अपने को पता है ये सी है ये वो सत्र, आप क्या करोगे, देखो अगर मैं आपके पास कोई सम संख्या 2 4 6 8 10 दे रखी है तो नेक्स्ट संख्या कब आती है, इसमें आप प्लस 2 करोगे, फिर नेक्स्ट कब आएगी प्लस 2 करोगे। वैसे जब यहाँ पे देखो अगर इस ए में प्लस 2 करूं तो नेक्स्ट संख्या आएगी, फिर इसमें प्लस 2 करूं फिर नेक्स्ट आएगी, तो देखो आप क्या हो जाएगा, देखो अरे क्या हुआ ए में मैं अगर प्लस 2 करूंगा तो किसका मान आएगा बी का, अगर फिर मैं इसमें देखो अगर मैं सी का मान निकालूंगा क्या करूंगा बी प्लस 2, तो सी बराबर बी का मान कितना देगा आपको ए प्लस 2 प्लस 2, तो सी का मान कितना हो जाएगा ए प्लस 4, सॉरी देखो ये कितना था ए प्लस 4, तो अपने आंसर कितना हो गया ए प्लस 4, ठीक है गाइज आज के लिए इतना ही। आई होप आपको लगातार संख्याओं के बारे में जब भी कोई क्वेश्चन आएगा आप कभी गलत नहीं कर पाओगे, और इस रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होंगे आगे मैं आपको समझा दूंगा। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं आप लोगों को पता नहीं क्या लग रहा होगा, लेकिन मैं बता दूं आप एवरेज का मैं जितने भी क्वेश्चन करवाऊं सिर्फ आप एक टॉपिक पढ़िएगा,
अगर आपको मेरा एक टॉपिक पढ़ने के बाद में आपको लगता है कि मेरे पास जो पढ़ा रहा हूँ कुछ अच्छा कंटेंट है, आपके लिए यूजफुल है, एग्जाम आप उसे आपके एग्जाम के लिए रो सकती है, तो सो गाइस प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिएगा और मैं ऐसे ही फिर आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाता रहूंगा। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ कि मैं डेली 5 से 10 मिनट का एक वीडियो अपलोड किया करूंगा, जिसमें आपके कैलकुलेशन के लिए आपको थोड़ी इजी हो जाए। मैं जब देखो जब मैं आपको वीडियो डालूंगा तब आपको पता चलेगा कि आप कुछ क्वेश्चनों को कैलकुलेशन कितने इजी तरीके से कर पाओगे। सो गाइस थैंक यू देखने वीडियो देखने के लिए, और आप एक